चूरू के बिदासर कस्बे में पिछले 3.5 महीने से धरने पर बैठे एक बीजेपी पार्षद व उसके समर्थकों की गिरफ्तारी पुलिस को भारी पड़ गई। जी आपको बता दें कि जब गुस्साई भीड़ ने गिरफ्तारी का विरोध किया और जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया तो लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। आपको बता दें कि बिदासर के राजकीय टांटिया अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर पार्षद बेगराज नाई धरने पर बैठे हैं और प्रशासन की ओर से सुनवाई नहीं होने पर स्थानीय लोग भी समर्थन में आ गए हैं और इसी के चलते भयभीत प्रशासन ने महापड़ाव खत्म करवाने को लेकर धारा 144 लगाकर पार्षद व उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया और जिसके चलते आक्रोशित भीड़ पार्षद की गिरफ्तारी का विरोध करने लगी, जिस पर पुलिस के जवानों ने भीड़ पर लाठियां बांधते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े और वज्र केनन से पानी की बौछार फेंकी। बड़ी बात तो यह है कि पुलिस ने बिना उच्चाधिकारियों के अनुमति के लाठीचार्ज किया। घटना की जानकारी मिलते ही राजनेता समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इससे पूर्व जो धरना था एक प्रकार से सांकेतिक के रूप में था। बेगराज जी अकेले बैठे रहते थे, सुबह 10-11 बजे करीब आते थे और शाम को 5 बजे चले जाते थे और केवल अपनी मांगों के लिए ये कहते थे कि डॉक्टर लगाए। अभी इनको 5-7 दिन पहले प्रशासन ने इनकी मांगे मानते हुए डॉक्टर भी लगा दिए और इसके बावजूद भी जब इनकी मांगे पूर्ति होगी इसके बावजूद भी ये धरना फिर एक कानून व्यवस्था को भंग करने के रूप में ले गए और पुनः धारा 144 लग गई। इसके बावजूद इनको बताने के बावजूद भी इन्होंने महापड़ाव का ऐलान करके कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश की है, इसलिए ये सख्त कदम उठाकर ये। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता अजय स्वामी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय, सबसे पहले ये बताएं कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। जी, ये बिदासर की राजकीय जो टांटिया अस्पताल है उसका मामला है। उसमें लंबे अरसे से डॉक्टर नहीं है, रेडियोग्राफर नहीं, एक्सरे नहीं हो पा रहा है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो इस मामले को लेकर पिछले 3.5 महीने से वहां का एक बीजेपी पार्षद है जो धरने पे बैठा था जी, और उसी के चलते शासन प्रशासन द्वारा जब सुनवाई नहीं की गई तो वहां की जनता और आसपास के गांव की जनता उस पार्षद के समर्थन में आ गई और पिछले 2 दिन से वहां महापड़ाव था। तो महापड़ाव को कुचलने के लिए वहां पे जिला कलेक्टर ने 144 धारा लगा दी और कल जो है RSP के करीब 2 टुकड़ियां और 500 आसपास थानों के पुलिस के जवान तैनात किए गए और उसको जबरन समाप्त करवाया गया। और इस मामले को लेके पुलिस द्वारा जब पार्षद को गिरफ्तार किया गया तो वहां का जो आक्रोश है वो भड़क गया, लोग उग्र हो गए। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और वज्र कैनन से पानी की बौछारें की और करीब 2 बार लाठीचार्ज किया गया तो आक्रोशित भीड़ है उसने फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और जो लाठीचार्ज था उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि पुलिस के बिना अधिकारियों की बिना अनुमति के लाठीचार्ज किया गया। जी अजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।